लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिडको ने उसके तैयार होने से पहले ही बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित कर दिया है। इसे लेकर नई मुंबई के जितने भी प्रकल्पग्रस्त हैं वो नाराज हो गए। वो चाहते हैं कि दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, क्योंकि नई मुंबई के उत्थान के लिए और यहाँ के प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दिलाने के लिए दीपा पाटिल लगातार 40 सालों से प्रयत्न करते रहे हैं। हमारे साथ नई मुंबई प्रकल्पग्रस्त कृति समिति के कार्याध्यक्ष राजेश पाटिल साहब। पाटिल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, आखिर क्या वजह रही कि इतनी जल्दबाजी सिडको को हो गई कि जो एयरपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ है उसको लेकर पहले ही उसके नाम का प्रस्ताव कर? देखिए, यहाँ पे पहला जो सिडको ने रेजोल्यूशन बनाया है उसका ही हम लोग खंडन करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का गार्डन मिनिस्टर और गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, उनको और काम जो है वो काम करने के बजाय यहाँ पे किस तरीके से गड़बड़ या कुछ बेदिली हो जाए इस तरीके का माहौल करने का सोच रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी ये रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, ये तो बहुत वंदनीय है, बहुत आदरणीय नाम है, पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र ने एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनका नाम है, ज़रूर उनका मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस नगरी में यहाँ पे यहाँ के प्रोजेक्ट अफेक्टेड फार्मर्स जो है उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत उनका त्याग है, और ये त्याग करने के बाद देखिए पूरा इंडिया में पूरा लैंडलेस कौन हो गया होगा तो यहाँ का भूमि पुत्र हुआ है, पूरा इंडिया में ऐसा कभी हुआ नहीं। तो इस भूमि में जो लोगों ने त्याग किया और यहाँ पे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो हमारी मांग है, और ये बिना बोले उनको देना चाहिए था कि ये आपका नाम चाहिए, आपके नेता का नाम हम देते हैं, हमारे कैवर हैं, हमारे आदरणीय हैं, जिन्होंने यहाँ पे इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, ये फोकट में सब मिला नहीं, हमारा ज़मीन फोकट में लिया है लेकिन इन्होंने दिया कुछ फोकट में नहीं है। हमारे यहाँ पे पांच पांच लोग हुतात्मा हो गए, तब जाके दीपा पाटिल साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए तब जाके यहाँ पे हम लोगों को न्याय मिला है। तो कहने का मतलब, यह हमारे नेता है, यह हमारे अस्मिता का सवाल है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है, यहाँ पे हमारे दीपा पाटिल साहब का ही नाम देना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे प्रकल्पग्रस्त के लोगों के लिए काम किया है। और ये मांग बहुत बड़ी नहीं है, ये मांग बहुत छोटी है, प्रकल्पग्रस्त के लिए बहुत छोटी है, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों हजार लोग इनकम ये प्रकल्पग्रस्त भूमि के ऊपर ये लोग कर रहे हैं, सिडको कर रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रहे हैं, इनको इनके खुद की ज़मीन इधर नहीं लाई, यहाँ के यहाँ पे हमारी ज़मीन दे दी है, हमारी रोजी रोटी छीन के यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट बनाया, जो प्रोजेक्ट से हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, इनको मिल रहा है, इनका करप्शन हो रहा है, इनको सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को ठीक तरह से काम धंधा भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस भूमि के ऊपर हमारा ये हक है, हमारे भूमि के ऊपर आने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारा ही नेता का नाम चाहिए, भला साहब का नाम। देखिए, समृद्धि महामार्ग इतना बड़ा महामार्ग है, हम लोग ने कभी बोला क्यों नाम दिया? नहीं, भला साहब का नाम हर जगह पे और जगह पे देना चाहिए, लेकिन दीपा पाटिल साहब का नाम आप महाराष्ट्र में नहीं देंगे, यहाँ पर देना चाहिए। इसीलिए हमारी मांग है कि दीपा पाटिल साहब का नाम हमारे इस भूमि के ऊपर होना रहे, हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो विमानतल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट को हमारा ही नेता का नाम मिलना चाहिए, वो है लोकनेता दीपा पाटिल साहब। सर, आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह का बड़ा प्रस्ताव देना ही था तो सिडको को रेफरेंडम करना चाहिए था, यहाँ के लोकल लोगों को, प्रकल्पग्रस्तों को एक बार आह्वान करना चाहिए था कि वो किस तरह का नाम चाहते हैं, उसके बाद प्रस्ताव बनाना चाहिए था, लेकिन सिडको ने इसमें जल्दबाजी करके जानबूझ के प्रकल्पग्रस्तों का अपमान किया और उनको लड़ाने की कोशिश की? देखिए, यही तो दुर्भाग्य की बात है, जिस चेयर के ऊपर ये MDA और सिडको सब ये लोग बैठ रहे, ये हमारी ज़मीन है, इनके बाप की ज़मीन है नहीं, हमारे ज़मीन के ऊपर इनका सब चेयर है और ये लोग बैठ रहे हैं, और वही MD, हम बहुत बड़े रिस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ, वही MD साहब 4-5 महीने पहला दीपा पाटिल साहब के फोटो को हार पहना हुए हम लोग देख रहे हैं, उनका मान सम्मान करते हुए हम लोग देख रहे हैं, तो ये उनको मालूम नहीं? फॉरेन गार्डन मिनिस्टर हो या सरकार हो, वही कुछ भी कहे, लेकिन हमारा मांग जब यहाँ पे प्रपोजल आया था कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, तब से फर्स्ट डे से हमारा यहाँ पे मांग है कि लोकनेता दीपा पाटिल साहब का नाम होना चाहिए। उसके लिए आप अंदाज लीजिए, हमारे हर गांव में हम लोग ने सिग्नेचर का मुहिम लिया था,
हम लोग ने जहाँ पे दीपा पाटिल साहब का शिड़को ने बोर्ड लगाया था उसके बाजू में हम लोग ने हमारा बोर्ड लगाया था, यहाँ पे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को नाम दीपा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए, हम लोग ने बोर्ड भी लगाया था। ये नई मांग नहीं है, ओल्ड है, लेकिन इनको कोरोना का प्रादुर्भाव है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए और 4-5 साल जाने वाले हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के हमारे प्रकल्पग्रस्त के ऊपर ये लोग अन्याय कर रहे हैं, जानबूझ के ये प्रपोजल ले रहे हैं। देखिए विनायक राउत साहब जिनके खासदार हैं, इन्हें एमपी है, ये एमपी के अंडर आने वाला चिपी एयरपोर्ट है कोकण का, उसके बारे में उनका स्टेटमेंट हम लोग ने टीवी पे क्या पढ़ा क्या सुना कि वहाँ पे चिपी एयरपोर्ट में अभी वो एयरपोर्ट शुरू होने दो, सब एयरलाइंस शुरू होने के बाद वहाँ पे नाम का सोचो। अरे यहाँ पे तो अभी तक वो शादी नहीं हुई और वहाँ पे हम लोग बिस्तर लेके भाग रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक ही न्याय होना चाहिए। यहाँ पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए टाइम है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद ही नाम देना चाहिए और वो नाम एक ही रहेगा, ये दीपा पाटिल साहब और दीपा पाटिल साहब। सर आखिरी सवाल, एक जो आज 10 तारीख को मानव श्रृंखला की तैयारी है, एक तरह के ऐसे आंदोलन की तैयारी है ताकि सरकार को जगाया जा सके, आपको लगता है कि वाकई इस मानव श्रृंखला के बाद जो पूरे मुंबई में होने वाला है इससे सरकार, जो उद्धव सरकार जागेगी और इसके नामकरण के प्रस्ताव पर विचार करेगी? देखिए जागना न जागना उनका काम है, लेकिन यहाँ का जो अपना प्रकल्पग्रस्त है ऑलरेडी उनके सब डिमांड्स बाकी है, वो त्रस्त ही है और लोक नेता दीपा पाटिल साहब का नाम नहीं देने के वजह से भी और वो गुस्से में है। ये मानवीय साखली का हमारा जो आंदोलन है प्रतीकात्मक आंदोलन है, ये हम लोग गांव गांव के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं ज़्यादा लोग मर मत और कोरोना है, लेकिन 24 तारीख को ऐसे ही हम लोग मरने के बजाय कोरोना से मरने दो, लेकिन बहुत से लोग रास्ते पे उतरेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार को इसका खबरदारी लेना चाहिए, सरकार को न्याय देना चाहिए। सरकार जिस तरीके का सोच रहे गलत सोच है, यहाँ के प्रकल्पग्रस्त को न्याय सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। जैसा कि आपने देखा कि प्रकल्पग्रस्त अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, अगर दीपा पाटिल साहब का नाम नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नहीं दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि नवी मुंबई में आंदोलन और भी तीव्र होने की संभावना है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी1 इंडिया, नवी मुंबई।